हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एडुप्रेटर्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सूरज और हम आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए इंग्लिश का कोर्स लेके आए हैं। ये क्लास वो सभी एस्पिरेंट्स कर सकते हैं जो कि यूपीएससी, सीसेट, स्टेट पीसीएस, सीएपीएफ, सीडीएस, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीयूईटी या किसी और कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर जुड़े हुए हैं या आपका उन पर अकाउंट है, आप सोशल मीडिया से लिंक हैं, तो एडुप्रेटर का पेज फॉलो कर लीजिए। यहाँ हम लोग इन्फोग्राफ अपलोड करते हैं और अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको क्लास की इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे। सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड चैप्टर, प्रोनाउन। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड नाउन। सो वॉट इज प्रोनाउन? सो फ्रेंड्स, अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ये डेफिनेशन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इट इज यूज टू अवॉइड In order to avoid repetition of a noun. मतलब हम किसी भी noun की repetition को avoid करने के लिए pronoun का use करते हैं। अब मैं आपको example देता हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको ये बोलूँगा कि राम इज़ अ बॉय एंड उसके बाद मैं ही यूज़ करूँगा, आपके मन में आएगा कि why we need to use a pronoun? क्योंकि noun जो राम है वो ऑलरेडी एक छोटा सा वर्ड है, तुम राम राम बोल सकते हैं ना, बार बार क्या दिक्कत है। लेकिन सोचिए क्या है कि हमारे इंडिया में नेम्स वैरी करते हैं और इस वर्ल्ड में भी नेम्स वैरी करते हैं। जैसे कि आपने अगर इन महाशय की फ़ोटो देखी होगी तो आपको याद होगा इनका नाम क्या था। इनका नाम था वेणुगोपाल अय्यर, लेकिन इनका फुल फॉर्म क्या है? शिवा वेंकटा राजशेखरा श्रीनिवासना त्रिचीपल्ली येगा परम पिल्ला परम विदूरे चिन्ना स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर। अब अगर ये इंसान आपके घर पर आता है और इसके बारे में आपको बार बार बताना होता है कि हाँ ये जो थे शिवा वेंकटा राजशेखरा श्रीनिवासना त्रिचीपल्ली येगा परम पिल्ला परम विदूरे चिन्ना स्वामी मुत्तु स्वामी यो वेणुगोपाल अय्यर, अंकल हमारे घर पर आए थे। अब फिर अगर आपको कुछ बोले थे तो आपके पापा पूछेंगे अच्छा बोले क्या, तो फिर आपको बोलना पड़ेगा कि शिवा वेंकटा राजशेखरा श्रीनिवासना त्रिचीपल्ली येगा परम पिल्ला परम विदूरा चिन्ना स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर ने मुझे एक अच्छा लड़का बोला था। अब सोचिए आपको इसमें कितना ज़्यादा लंबा प्रोसेस लग रहा है किसी आदमी का पूरा नाम लेने पे। तो एक बार आप इन अंकल का ये लंबा चौड़ा नाम ले लेंगे और उसके बाद आप नॉर्मल उनकी जगह पे और वो मतलब ही लुक्स सो काम और इस तरह की चीज़ें आप उनमें ऐड करते चले जाएंगे। तो आप सोचिए आपकी जो फ्लुएंसी है, आपकी जो बोलने की या किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की जो स्पीड है वो कितनी ज़्यादा अच्छी हो गई। नाउ रिपीटिंग द सेम नाउन अगेन अगेन, एग्जांपल, सारा हैज ऑलवेज लव्ड फैशन, सारा अनाउंस डेट सारा वॉन्ट्स टू गो टू फैशन स्कूल। अब अगर सारा के जगह पे हम ये वेणुगोपाल अय्यर अंकल का नाम रख दें, सोचिए आपको कितना दिक्कत हो जाएगा। इंस्टीड ऑफ यूजिंग सारा अगेन एंड अगेन द गिवन सेंटेंस द प्रोनाउन शी कैन बी यूज्ड। तो इसलिए हम एक वर्ड का यूज़ करते हैं जो वर्ड एग्जैक्ट उसी नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और वो थोड़ा शॉर्ट हो जाता है और उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे यूजिंग अ प्रोनाउन, देखिए प्रोनाउन बोलने के बाद सेंटेंस का पूरा फॉर्मेशन चेंज हो गया। सारा हैज ऑलवेज लव्ड फैशन, शी अनाउंस दैट शी वॉन्ट्स टू गो टू फैशन स्कूल। डिड यू गेट दैट? नाउ वी आर कमिंग टू टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। सो फ्रेंड्स, हमारे पास जो हैं टोटल 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं, जिसमें से हम सबसे पहला पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन। लेट मी फिक्स द वर्ड। पर्सनल प्रोनाउन नेक्स्ट। अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन वो क्या होता है? अ पर्सनल प्रोनाउन एज अ नेम रेफर्स इज यूज टू रेफर टू अ पर्सन थिंग और ग्रुप इन अ सेंटेंस। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन में फ्रेंड्स कुछ केस होते हैं, लाइक नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस, पजेसिव केस, रिफ्लेक्सिव केस। तो सारे कुछ केसेस होते हैं जिनके बारे में हम आगे आकर के पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउन में पर्सन की बात की जाती है एंड एज वी नो दैट देयर आर थर्ड पर्सन इन द वर्ल्ड, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन इज मी बिकॉज आई एम द स्पीकर, सेकंड पर्सन इज यू बिकॉज यू आर द लिसनर एंड अ थर्ड पर्सन इज अबाउट होम वी आर टॉकिंग। ओके, सो थर्ड पर्सन आपको कोई फ्रेंड हो सकता है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं। तो आते हैं द पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू कैन बी शोन इन वन और थ्री ग्रामेटिकल पर्सन। फर्स्ट पर्सन, दिस रेफर्स टू द स्पीकर एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। द फर्स्ट पर्सन इज हू, द स्पीकर इज द फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन देन हु इज लिसनिंग मी लाइक यू, तो यू आर द सेकेंड पर्सन। दिस इज वेन वन पर्सन इज टॉकिंग टू अ सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन अबाउट होम वी आर टॉकिंग, मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं उसको हम थर्ड पर्सन बोलते हैं। डिड यू गेट दैट? अच्छा, पर्सन का मतलब यहाँ केवल व्यक्ति नहीं है, पर्सन का मतलब वो कोई भी चीज हो सकती है जिस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। डिड यू गेट दैट? आगे देखिए, लाइक हम इट का भी यूज करते हैं। ओके, देखिए
फॉर दीज थ्री ग्रामेटिकल पर्सन देर इज बोथ अ सिंगुलर एंड अ प्लूरल फॉर्म डिपेंडिंग ऑन वेदर द पर्सन इज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस. तो हर पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म भी होता है. देखिए कैसे, आई गॉट अ न्यू जॉब, ये एक सिंगुलर पर्सन है क्योंकि मुझे जॉब मिली. शी गॉट अ न्यू जॉब एंड आई गेव हर टू डेज न्यूज़पेपर. सो आई शी ये सब क्या है, ये सब फर्स्ट पर्सन है क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी कर्म है उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, सीधे कर्ता पे यानी सीधे सब्जेक्ट पे पड़ रहा है. जॉब किसको मिली, सीधे मुझे मिली और मैं ही इसके बारे में आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ. डिड यू गेट दिस फ्रेंड. सो आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे. देखिए देखिए केस क्या होता है. देखिए फ्रेंड, जैसे आपको सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बचपन में पढ़ाया गया था. देखिए नाउन में तीन चैप्टर होते हैं. ओके, द फर्स्ट वन इज नाउन, नंबर, उसके बाद होता है आपका पर्सन और फिर होता है आपका केस, सॉरी नंबर, जेंडर एंड केस. तो जेंडर आप लोगों को पता है, नंबर आप लोगों को पता है, सिंगुलर एंड प्लूरल. और केस पे हम आते हैं तो केस किस तरह से यूज होता है वो हम देखते हैं. जैसे कि हम कभी खुद को एज अ सब्जेक्ट प्रेजेंट कर रहे होते हैं और कभी खुद को एज अ ऑब्जेक्ट प्रेजेंट कर रहे होते हैं. नहीं समझ में आया, देखिए समझिए. जैसे मानिए आपके एग्जाम में आप टॉप कर गए तो आप घर पे आके बोलेंगे कि मैं इतने स्कूल में टॉप कर गया. ओके, आई हैव सिक्योर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन माय क्लास. तो यहाँ पे अपने आई को सबसे पहले प्लेस कर दिया, राइट. लेकिन अगर आप रिजल्ट लेते हुए घर में दौड़े दौड़े आए और एक इम्पोर्टेड कांच का ग्लास था, ओके, और वो आपके घर से टूट के गिर गया आपसे, तो आप ये थोड़ी बोलेंगे कि मम्मी मैंने ग्लास तोड़ दिया. आप बोलेंगे ग्लास टूट गया मुझसे. मुझसे तो आप बोलेंगे भी नहीं, है ना, बोलने के बाद फिर दिक्कत हो जाएगी. तो अब ग्लास टूट गया, अब क्या ग्लास खुद से टूटा, उसको आपने तोड़ा था. तो इसका मतलब यह है कि आपने अब अपने आप को, जो कि काम आप ही से हुआ है, पहले प्लेस पे ना पुट करके उसे एट लास्ट में रखा. सबसे पहले आपने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया. तो जब आप अपने आप को एकदम लास्ट में रखते हैं या डूअर को एकदम लास्ट में रखते हैं तो उसका केस चेंज हो जाता है. डिड यू गेट इट? तो आई का मी हो जाएगा लाइक ग्लास वॉज ब्रोकन बाय मी. तो आपको आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी. तो देखिए सब्जेक्ट में थोड़ी सी ये चार्ट देख लेते हैं. तो सब्जेक्ट में देखिए जो आई होता है ना वो सिंगुलर होता है और इसका प्लूरल क्या हो जाता है, वी. तो ये दोनों ही फर्स्ट पर्सन होते हैं. सेकंड पर्सन की बात करें तो यू का सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही यू होता है. आप या आप लोग, जैसे आप घूमने जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू द, मतलब आप मार्केट जा रहे हैं तो यू आर गोइंग टू द मार्केट. घूमने का एक्चुअली वॉन्डरिंग होता है. लेकिन अगर आप लोग घूमने जा रहे हैं तो भी हम लोग कहेंगे यू आर गोइंग टू द मार्केट. साथ में हम ऑल लगा देते हैं चीज़ों का इंटेंसीफाई करने के लिए. उसके देखिए ही शी इट, ये तीनों थर्ड पर्सन में आते हैं. इसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं और इनका प्लूरल होता है दे. नेक्स्ट ऑब्जेक्ट में आते हैं. तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्टिव केस, मी हो जाता है. और वी का जो ऑब्जेक्टिव होता है अस हो जाता है. यू का यू ही रहता है. और सिंगुलर में जो थर्ड पर्सन होता है वो हर या हिम हो जाता है और दे का देम हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस. ठीक है, जैसे आई लाइक हर, कभी हम नहीं बोलते कि आई लाइक शी, आई लाइक हर बोलते हैं क्योंकि वो एक्चुअली हम जिसको पसंद करते हैं उसको हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पे रख रहे हैं और इसलिए हम हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस रखते हैं. पजेसिव केस में देखिए दिस इज माई कार, मतलब आई का पजेसिव क्या है, माई. और वी का पजेसिव क्या है, आवर. उसी तरह से यू का पजेसिव केस, पजेसिव का मतलब होता है जिसमें हम अधिकार डालते हैं. ठीक है, तो पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, देखिए दो होते हैं, एक होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, एक होता है पजेसिव प्रोनाउन. ओके, एडजेक्टिव के बाद नाउन का आना, अच्छा दोनों में पहचाने कैसे, ऐसे कि एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन का आना कंपलसरी होता है क्योंकि जब तक नाउन नहीं होगा हम किसी भी चीज़ की स्पेशलिटी या क्वालिटी नहीं बता सकते. लेकिन प्रोनाउन में ऐसा कोई भी नहीं होता है क्योंकि वो खुद ही नाउन के जगह पे यूज हो रहा होता है. तो आगे बढ़ते हैं. तो सिंगुलर में देखिए हर, हिज और इट्स होता है और प्लूरल में देयर हो जाता है. पजेसिव प्रोनाउन की अगर बात करें तो सिंगुलर में पजेसिव प्रोनाउन माइन होता है. जैसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि दिस इज माई कार एंड हम बोल सकते हैं दिस कार इज माइन. ओके, जैसे आवर्स, दिस बैट इज आवर, मतलब ये बैट हमारा है. ठीक है, एंड दिस इज आवर बैट, ये बैट हम लोगों का है. सिंगुलर में योर्स हो जाता है पजेसिव प्रोनाउन. और सिंगुलर जो होता है ही शी इट का, मतलब ये जो सब्जेक्ट होता है तो उसका पजेसिव प्रोनाउन हर्स या हिज हो जाता है और दे का देयर्स हो जाता है. आई होप आपको ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी. अब आते हैं इसके नीचे वाले पार्ट पे कि पॉइंट टू बी रिमेंबर. देखिए ध्यान से, पर्सनल प्रोनाउंस आर चूसन डिपेंडिंग ऑन वेदर, ये आपको पॉइंट याद रखना है अच्छे से, आप इसको नोट कर लीजिए कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो. ऑन वेदर इट इज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट, इन ईजी वे टू गेट इट राइट इज टू रिमूव द अदर पर्सन एंड देन ट्राई द सेंटेंस. लेट्स ट्राई कपल ऑफ सेंटेंसेस. देखिए पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, ये इस बात के आधार पर चुने जाते हैं कि जो जो सब्जेक्ट है, मतलब वो जो पर्सनल प्रोनाउन है वो कोई सब्जेक्ट है या वो ऑब्जेक्ट है. बहुत इजी तरीका है इसको चुनने का कि जो अदर पर्सन है उसको रिमूव कर दीजिए और फिर सेंटेंस को ट्राई कीजिए. लाइक इन द केस ऑफ सब्जेक्ट प्रोनाउन, देखिए लाइक द बुक, अगर हम देखिए इसमें एक चीज समझिए, अगर हम किसी चीज के लिए
कोई पॉजिटिव वे अपनाते हैं तो इसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन का मतलब क्या है कि जब भी हम किसी अच्छी अच्छी बातों को बोल रहे होते हैं तो हम सबसे पहले, हिंदी में होता है ना कि पहले आप, तो हम सबसे पहले दूसरे पर्सन को फर्स्ट में रखते हैं और फिर अपने आप को रखते हैं। डिड यू गो दैट? ओके, नाउ अब आगे देखिए। लेकिन अगर हम किसी गलती मानने की बात होती है या कोई गलती हो जाती है, जैसे चोरी वोरी हो गई तो चोरी की बात करना है, मिस्टेक एक्सेप्ट करना है, ये सब चीज़ें करनी है, तो उसके लिए हम अपने आप को पहले रखेंगे और फिर अदर पर्सन को रखते हैं। क्लियर है? जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि हमें उसकी हेल्प करना है, हमें तुम्हें उसे हेल्प करनी चाहिए, तो कहेंगे यू आई एंड ही हैव टू हेल्प हर। तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे होगा शी एंड आई, मतलब वो और मैं, लाइक द बुक, दोनों ही बुक को पसंद करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहां पे सब्जेक्टिव केस ही डालेंगे। क्या हर एक सब्जेक्टिव केस है? बिल्कुल नहीं। क्या हर यहां भी देखिए बिल्कुल सब्जेक्टिव केस नहीं है। शी एंड मी हो गया, कभी हम सब्जेक्टिव केस अगर डाल रहे हैं तो मी कभी नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। तो शी एंड आई ही रहेगा, कभी भी शी एंड मी नहीं होगा। इसके आगे एक्सप्लेनेशन दिया है कि नाउ रिमूव द पर्सन। खैर ये बहुत ज़्यादा कुछ खास बात है नहीं, वही जो मैंने भी बताई है वही आपके बारे में दिया हुआ है टोटल। तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, अब हम ऑब्जेक्टिव केस अगर रखते हैं किसी भी सब्जेक्ट का तो उसको कैसे रखेंगे? द टीचर गेव चॉकलेट्स टू, टीचर ने चॉकलेट, टीचर चॉकलेट देते हैं, सॉरी दिए, किसको किसको दिए? हर एंड आई, हर एंड मी, शी एंड आई, शी एंड मी। देखिए द टीचर गेव चॉकलेट टू हर, इसका मतलब शी तो कभी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब यहां पे क्या ये ऑब्जेक्टिव केस अगर है तो क्या उसके बाद कभी सब्जेक्टिव केस आएगा? नहीं आएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। यहां पे क्या हो जाएगा? हर एंड मी। नेक्स्ट देखिए, यहां लिखा है व्हेन यू रिपीट द सेम यू आर लेफ्ट विद द टीचर गेव चॉकलेट्स टू मी, क्योंकि डेफिनेटली आप वहां पे ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, द टीचर गिव चॉकलेट टू हर, तो हर एंड मी। और हम आपको बताएं कि सबसे पहले हर क्यों रखे हैं हम, क्योंकि अगर कोई अच्छी बात करनी होती है, पॉजिटिव वे में बात करनी होती है, तो हम सबसे पहले सेकंड पर्सन को चांस देते हैं, उसके बाद अपने आप को चांस देते हैं। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड पजेसिव प्रोनाउन पे। देखिए पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है ऑलरेडी, जब हम किसी भी वस्तु पर अपना पजेशन दिखा रहे होते हैं और उस वस्तु की जगह हम उसके उसके पजेसिव फॉर्म का यूज कर रहे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पजेसिव प्रोनाउन। देखिए पजेसिव प्रोनाउन ये है, इतने प्रोनाउन आपको याद कर लेने हैं, मी, आवर, योर, हर, इट्स, देयर, हिज। एग्जांपल देखते हैं, जैसे दिस इज, ये जो है उसकी पेन है, तो सी का पजेसिव प्रोनाउन क्या हो गया? हर। दिस कंप्यूटर इज नॉट माइन, ये पजेसिव प्रोनाउन हो गया। क्लियर है फ्रेंड्स? आई होप आपको चीजें क्लियर होगी। अब देखिए आगे आते हैं, तो ये सी का पजेसिव केस क्या है? हर। माइन पजेसिव प्रोनाउन, दैट House is ours, ये एक पजेसिव प्रोनाउन है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे आते हैं, देखिए पॉइंट्स टू रिमेंबर, पजेसिव प्रोनाउन्स आर नेवर स्पेल्ड विद एपोस्ट्रोफी। ठीक है, मतलब अब ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे आर लिख रहे हैं तो इसको ऐसे आर्स कर दीजिएगा, ये गलत होगा। आवर्स को कंप्लीटली आपको ऐसे ही लिखना है, आवर्स। योर लिख रहे हैं तो वाई ओ यू आर एस, ऐसे लिखना है। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट आते हैं, देखिए नेक्स्ट हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं फ्रेंड। देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जब हम प्लेस को डिनोट कर रहे होते हैं, ओके, जैसे कि वहां, यहां, ये, वो, दिस, दैट, दोज, सो, सच, योंडर, वन, फॉर्मर, लेटर, मतलब हम किसी तरह के क्या कर रहे होते हैं, जब हम किसी चीज की पोजीशन यानी कि लोकेशन को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं, मतलब पहले, बाद में, यहां पे, वहां पे, जैसे देयर इज माई बुक, तो यहाँ पे जो देयर है वो एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। दिस इज माई कॉपी, तो यहाँ पे जो दिस है वो एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। वर्ड यूज फॉर नाउन्स टू पॉइंट एट समथिंग और समवन, फॉर एग्जाम्पल दीज, दीज, डैट, दोज, व्हेन डिस्क्राइबिंग थिंग्स दीज प्रोनाउन्स कैन बी ईदर नियर और फार इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस और टाइम। तो डिस्टेंस को नियर और फार में भी दिखाने के लिए क्या करते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। नियर इन टाइम के लिए दीज या दीज, फार इन टाइम और डिस्टेंस के लिए डैट और दोज। आगे आते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं एक दो। देखिए एग्जाम्पल की बात करें तो मैं लिख सकते हैं कि दोज Those sweets are
मोर डिलीशियस, तो यहां पे जो दोज है फ्रेंड ना वो क्या है, वो हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं यहां पे, योंडर, योंडर इज द बिल्डिंग ऑफ द ताज, अब योंडर क्या है, योंडर का मतलब होता है, एक मिनट एक एरर हो गया है, इसको सही कर लीजिए, वहां मतलब वहां पे देखिए ताजमहल की बिल्डिंग है, योंडर का मतलब देयर। ओके, सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पे। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, जो कुछ पर्सन या किसी थिंग्स को क्या होता है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट कर, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव आपको वर्ड से ही लग रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूट करने वाली बात होती है, मतलब एक पर्सन मतलब कुछ पर्सन को या कुछ थिंग्स को जो हम डिस्ट्रीब्यूट करके बताते हैं, अलग अलग फॉर्म्स में बताते हैं, तो वहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे देखिए आपको एग्जांपल्स ज्यादा से समझ में आएगा, जैसे ईच ऑफ अस थिंक द सेम, हम यहाँ पे कई लोगों की बात कर रहे होते हैं लेकिन हम इंडिविजुअलिटी की बात कर रहे होते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, इंडिविजुअलिटी की मतलब कि ईच ऑफ अस थिंक द सेम, मतलब सब लोग समान नहीं सोचता, हम में से एक एक आदमी एक ही बात को सोचता है, सेम चीज को सोचता है। ठीक है, नन ऑफ दिस पीसेस मैच, मतलब इनमें से एक भी पीस मैच नहीं कर रही, मतलब एक एक पीस की इंडिविजुअली बात कर रहे हैं कि इसमें से हर एक पीस जो है वो मैच नहीं करती है। अभी आपको ये समझ में आई होंगी, मतलब कि क्या होता है कि अगर हम किसी यूनिट की बात कर रहे होते हैं लेकिन यूनिट की बात इंडिविजुअलिटी में करते हैं तो वहां हम बोलते हैं कि ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। देखिए जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा समझिएगा इस चीज को, जैसे कि ईच का यूज कैसे करते हैं, लाइक ईच डिड हिज बेस्ट फॉर द पुअर, मतलब गरीबों के लिए हर एक ने, मतलब एक एक व्यक्ति की इंडिविजुअली बात करें कि हर एक ने अपना का अपना बेस्ट दिया है। क्लियर है, अब देखिए इसके बाद हमारा दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है वो हम होता है हमारा ईदर। ठीक है, तो ईदर कुछ लोग इसको आइदर भी बोलते हैं, तो आप इसमें कुछ भी बोल सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है, वो डिपेंड कर जाता है एसेंट पे। ठीक है, एसेंट पे डिपेंड कर जाता है, क्लियर है। लाइक हम यूपी उत्तर प्रदेश वाले हैं तो हम लोग कैसे बोलते हैं, हम लोग एक सिंगुलर पर्सन के लिए भी हम का यूज़ कर देते हैं कि हम, मतलब हम घर जा रहे हैं, लेकिन अब दिल्ली वाला होगा तो बोलेगा हम घर जा रहे हैं, मुंबई वाला होगा बोलेगा हम घर जा रहे हैं, तो हम दोनों जा रहे हैं, तुम कहेंगे नहीं रे पागल केवल हम घर जा रहे हैं, तुम नहीं जा रहे हो, मतलब मैं घर जा रहा हूँ, इस तरीके से। तो एसेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आइदर का यूज देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग, देखिए समझिए, आइदर का यूज तब होता है जब हम किसी दो पर्सन में से एक की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे आइदर यू और रीना, आइदर यू और रीना कैन गो देयर, या तो तुम और या फिर रीना वहां पे जा सकती है। आइदर और जो होता है ना वो कंपाउंडली यूज होता है, मतलब एक साथ यूज होता है, कैन गो देयर, इसका जो सिंटैक्स होता है वो आप ऐसे करेंगे, आइदर सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये इसका जो होता है बाबू सिंटैक्स होता है, इसको आप क्या कर लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ओके, आज देखते हैं नाइदर, आइदर का जस्ट अपोजिट है, नाइदर का मतलब न तो तुम, यहाँ पे हम लगा देंगे नाइदर NEIDER, नाइदर यू और यहाँ पे और की जगह नॉर हो जाएगा, नॉर रीना कैन गो देयर, न तो तुम न तो रीना वहां जा सकते हो। क्लियर है, अब देखिए नेक्स्ट पे आते हैं, Let me erase this. एक और चीज समझिए,
आइदर और नाइदर का जो यूज, सॉरी ईच आइदर नाइदर का जो यूज होता है वो एडजेक्टिव की तरह भी हो जाता है। कैसे एडजेक्टिव तरह कैसे यूज होगा? जैसे कि म्यूजिशियंस प्लेड हिज बेस्ट, तो ये देखिए म्यूजिशियन प्लेड हिज बेस्ट, म्यूजिशियन अपना बेस्ट बजाया। अब यहां एक की बात करना, लेकिन अगर ढेर सारे म्यूजिशियन है तो वहां पे हम क्या बोलेंगे? न्यूमरल एडजेक्टिव यूज करेंगे, तो यहां पर लगा देंगे ईच म्यूजिशियन प्लेड हिज बेस्ट, मतलब हर एक म्यूजिशियन ने अपना बेस्ट दिया है वहां पे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। उसके बाद देखिए हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अच्छा रेसिप्रोकल क्या होता है इस बात को समझिएगा, समझिएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है। जब हम आपस में ही किसी काम को कर लेते हैं मिलजुल कर, तो उसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, उसमें हम क्या होते हैं, देखिए यहां लिखा द टर्म रेसिप्रोकेट मींस टू गिव इन रिटर्न, मतलब मैं तुम्हारी हेल्प किया तो मेरी हेल्प की, इस तरह हम दोनों ने दूसरे की हेल्प की। तो इस तरह के प्रोनाउन में हम यूज करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन को। रेसिप्रोकल प्रोनाउन आर यूज व्हेन एक्सप्रेसिंग अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पीपल हु आर डूइंग द सेम थिंग एट द टाइम, फॉर एग्जाम्पल ईच अदर और वन अनदर। अब देखिए फ्रेंड्स यहां से डिफिनेशन दे दिया है, अब हम लोग इसको समझेंगे कि ईच अदर और वन अनदर होता क्या है। देखिए यहां लिखा है पॉइंट्स को जमा करने के लिए, ईच अदर इज यूज व्हेन देयर आर टू पीपल, जब दो लोगों की बात कर रहे होते हैं तो हम ईच अदर का यूज करते हैं, और जब दो से मोर देन टू पीपल, दो से ज्यादा लोगों की बात कर रहे होते हैं तो हम वन अनदर का यूज करते हैं। लेट मी एक्सप्लेन मोर एक्सप्लेनेबली टू यू। अब देखिए समझिएगा इसको कि क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे दे रियली लव ईच अदर अलॉट, मतलब वो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है। लेकिन द स्टूडेंट शेयर द नोट्स विथ वन अदर, नोट्स स्टूडेंट एक दूसरे से शेयर कर लिए, स्टूडेंट तो कई सारे होंगे। अब आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं फर्स्ट पर्सन का लेकर के, ताकि आपको ज्यादा क्लियर समझ में आए। देखिए अगर हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए नीलू, दो लड़कियां हैं नीलू एंड मिति, helped each other नीलू एंड मिति ने एक दूसरे की हेल्प की। अब यहां पे नीलू एक सिंगल पर्सन है, मिति एक सिंगल पर्सन है, और ये दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की। तो जब दो लोग आपस में किसी काम को निपटा लेते हैं तो उसमें हम ईच अदर का यूज करते हैं। बट लेट मी मेक यू रिमेंबर कि हरी कॉमा मोहन, देखिए दो लोग तो ये हो गए, लेकिन एक और एक्स्ट्रा आदमी आ गया एंड, और यहां लिख लेते हैं राहुल, है ना, राहुल हेल्प्ड वन अनदर, मतलब ये तीनों ने एक दूसरे की हेल्प की, हेल्प वन अनदर। ये किया गया फ्रेंड, ये तीनों ने आपस में एक दूसरे की हेल्प की। आपको आई होप इस एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि नीलू एंड मिति दो लोगों ने आपस में एक दूसरे की हेल्प कर दी, लेकिन यहां तीन लड़कों ने एक दूसरे की आपस में हेल्प कर दी। तो जब दो से ज्यादा पर्सन आपस में किसी काम को करते हैं तो वहां हम वन अनदर का यूज करते हैं, लेकिन जब दो लोग आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो वहां पे हम ईच अदर का यूज करते हैं। आई होप आपको ये चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एक नोट करके आप यहां पे लिख लीजिएगा, एक नोट बना लीजिएगा कि हम क्या करते हैं कि जब जेंडर क्लियर होता है तब तो हम हिज और हर उसके अकॉर्डिंग लगा देते हैं पजेसिव के लिए, लेकिन जब हमारा जेंडर क्लियर नहीं होता तो हम मैस्कुलिन जेंडर को प्रेफर करते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होंगी, नहीं आई तो अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इसको क्लियर कर दे रहा हूं। देखिए समझिए, जब हम बोलेंगे कि ईच ऑफ द गर्ल्स Has, याद है आपको मैं यहां पे ईच बताया था, तो यहां पे हम एक एक इंडिविजुअल लड़की की बात कर रहे हैं, तो गर्ल्स के बाद यहां पे हैव नहीं लगाएंगे, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। आपको मैं इसे आर्टिकल में पढ़ाऊंगा, ईच ऑफ द गर्ल्स, सॉरी सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में पढ़ाऊंगा, ईच ऑफ द गर्ल्स हैज डन, अब यहां पे क्या हो जाएगा, हिज या हर, तो यहां पे होगा हर, क्योंकि लड़कियों की बात की है तो हर हाउसवर्क या हर होमवर्क। फेमिनिस्ट लोग ज्यादा गुस्सा नहीं होंगी इस पे, क्योंकि अगर लड़कियां देख रही हैं तो
कि मैंने हाउस वर्क क्यों लिखा, होमवर्क क्यों नहीं, बस एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने लिखा है। तो यहाँ पे क्या है, ईच ऑफ द गर्ल्स हैज डन हर हाउस वर्क। बट अगर हम इसी चीज को थोड़ा सा एक्सपेंड करके देखें और यहाँ पे हम क्या करें, इस गर्ल्स को हटा दें और यहां पे मैं लिख दूं ईच ऑफ माय फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स। अब फ्रेंड क्या है, कॉमन नाउन है, लड़की फ्रेंड हो सकता है, लड़का भी हो सकता है। ईच ऑफ माय फ्रेंड्स, अब यहां पे क्या होगा, हैज या हैव, डेफिनेटली हैज होगा ना, क्योंकि हम इसके साथ साथ यहां पे वर्ब की फॉर्म को चेंज नहीं कर सकते, वहां ईच के अकॉर्डिंग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी आएगा। ईच ऑफ माय फ्रेंड्स हैज डन, अब यहां पे क्या हर होगा, बोलिए क्या आपको पता है कि किसकी बात हो रही है, लड़के की या लड़की की, नहीं पता। तो जब हमें जेंडर बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होता तो हम वहां पे हिज का यूज करते हैं, लड़कों को प्राथमिकता देते हैं, लड़कियों को नहीं देते। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं फ्रेंड्स, देखिए रिलेटिव प्रोनाउन, देखिए रिलेटिव सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब समझिएगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अगर हम ऐसे करके देखें तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है कि जब हम किसी कार्य को या किसी भी चीज को एम्फेसाइज करते हैं, एम्फेसाइज मतलब हम उस पर जोर देते हैं, उसको इम्फेटिक बना देते हैं, क्लियर है। अभी इम्फेटिक क्या होता है, आप में से कईयों ने पहली बार सुना होगा और बहुत लोगों, बहुत सारे बच्चे इस बात को जानते भी होंगे कि जब कोई सब्जेक्ट किसी कार्य को करता है और जब उस वर्क को करने पे उसका इफेक्ट उस सब्जेक्ट पे खुद ही पड़ जाता है तो वहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि इन्जॉय योर सेल्फ, जैसे आई इन्जॉयड पार्टी, ठीक है, तो हम पार्टी को कैसे, आई इन्जॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी, इस तरीके से होता है। तो आई इन्जॉयड माई सेल्फ, मैंने बहुत खूब मस्ती की, तो मैंने खूब मस्ती की और उसमें मज़ा भी मुझे ही आया। तो जब हम खुद पे किसी वर्क का इफेक्ट देखने को मिलता है तो वहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे जब भी आप इंट्रोडक्शन देते हैं तो आप लोगों को सुने होंगे बोलते हुए कि आई, जैसे आई एम, आई सूरज कुमार सिंह। तो यहाँ पे एक्चुअली में एक तरीका ये भी होता है इंट्रोडक्शन देने का कि आई माई सेल्फ, ये जो पर्सन आपके सामने खड़ा है ये खुद सूरज कुमार सिंह है। इस तरीके से आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये बेस्ट वे होता है इंट्रोडक्शन का, एमएनसीज वगैरह में इंट्रोडक्शन इस तरीके से दी जाती है। जब किसी अच्छे पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, आपको कोई सेमिनार अटेंड करना होता है, आपको आपके किसी, आप किसी सेमिनार के चेयरपर्सन होते हैं, तो आप इस तरीके से चीज़ों को अटेंड कर सकते हैं। आगे देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है। देखिए यहाँ कुछ चीज़ें दी हैं शॉर्ट में, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, वन सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ये सारे कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स होते हैं। अब समझते हैं कि ये चीज़ होता क्या है। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के पजेसी तथा थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ सेल्फ या सेल्फ जोड़कर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाए जाते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आर के साथ आर सेल्फ जोड़ दिया गया है, योर के साथ योर सेल्फ जोड़ दिया गया है, क्लियर है, ओके। देखिए लेकिन फर्स्ट पर्सन और जो सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई, तो आई का पजेसिव माई और यू का पजेसिव योर। तो जब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की बात होती है ना बच्चों, तो वहां पे हम केवल सेल्फ को ऐड करते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की जब बात होती है वहां पे हम सेल्फ को यूज करते, मतलब ऐड करते हैं। लेकिन जब भी हम क्या करते हैं, अगर कोई थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, ओके, थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्टिव केस के साथ हम सेल्फ का यूज करते हैं। आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी। जैसे आर, तो आर का आर सेल्फ, योर, योर का योर सेल्फ, ऐसे करके। आई होप आपकी चीजें क्लियर हुई होंगी। अब आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि आई हर्ट माई सेल्फ, तो आई हर्ट, मैंने खुद को हर्ट कर लिया, मैंने खुद को नुकसान पहुंचाया। द बॉयज हाइड, सॉरी ये देखिए, ये हाइड का सेकेंड फॉर्म होता है, ठीक है, ये ऐसा नहीं कि हम एरर कर दिए हैं यहाँ पे प्रिंट करने में। द बॉयज हाइड देमसेल्फ, लड़कों ने खुद को छुपा लिया। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, क्लियर है। हम लोग कुछ कॉमन एरर्स को देखते हैं कि कॉमन एरर किस तरह से एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे आपको अगर मैं एक एग्जांपल दूं, द टीचर एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास यस्टरडे, क्या अब ये सही सेंटेंस है? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, ये सही सेंटेंस कैसे हो सकता है। देखिए तो ये गलत सेंटेंस है। इसमें क्या होगा, इसमें हम लिखेंगे द टीचर
absented, टीचर ने किसको absent किया? तो टीचर ने खुद को ही तो absent कर लिया है ना, तो यहां पे हम ऐड करेंगे तो टीचर absented. अब जब टीचर, देखिए टीचर एक कॉमन नाउन है, हमें जेंडर क्लियर नहीं है, ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि जब जेंडर क्लियर नहीं होता तो हम प्लूरल जेंडर, सॉरी प्लूरल बोल रहे हैं, मैस्कुलिन जेंडर को प्रेफर करते हैं. देखिए तो यहां पे होगा हिमसेल्फ, द टीचर absented हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास यस्टरडे. तो ये वाला सेंटेंस क्या है, एकदम एरर है, और ये वाला सेंटेंस एकदम सही है. इस स्लाइड में बहुत ज़्यादा जगह नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं आपको इस कॉर्नर में आकर के एक्सप्लेन कर रहा हूँ. अभी आपको चीज़ें समझ में आई होंगी. अब नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू चीज़ों को और डीपली समझते हैं. देखिए लेट मी यूज दिस, ओके यहाँ से एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, शायद कुछ बात होगी. देखिए शी प्राइड्स, ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं आपको ये भी रीजन दूंगा अभी कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं. सी प्राइड्स ऑन हर ब्यूटी, वो घमंड करती है अपनी सुंदरता पे. अब देखिए वो घमंड करती है अपनी सुंदरता पे, तो सी प्राइड्स, और वो खुद ही घमंड कर लेती है. सी प्राइड हर सेल्फ, फर्स्ट पर्सन सेल्फ लगा दिए, हर सेल्फ ऑन हर ब्यूटी. आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी. अब देखिए ऐसा हो क्यों रहा है, समझिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही यूज करते हैं. वो वर्ड्स कौन से हैं, देखिए मैं आपको यहां कुछ वर्ड्स की लिस्ट दे रहा हूं, जैसे कि अब्सेंट, प्रेजेंट, अवेल, इंजॉय, इंट्रोड्यूस, बिजी, कंटेंट का मतलब सेटिस्फाइड, उसके आगे आते हैं तो प्राइड, हर्ट, चीट. कोई भी लड़का अपने पास्ट में नहीं जाएगा, सोचने नहीं लगेगा, ओके. सेटिस्फाई, ETC. तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ना, इनके साथ हम रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन का यूज करते हैं. अब उसके आगे देखिए इम्फैटिक और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस, दोनों में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होता. अब समझिए, अब जो इम्फैटिक प्रोनाउन है ना, उनका हम जोर देने के लिए करते हैं, मतलब किसी चीज पे जोर देंगे, जैसे आई माई सेल्फ सूरज सिंह, मैं खुद सूरज सिंह हूं. इस तरीके से हम यहां पे ये जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था उसी को हम एज अ एम्फसाइज करने के लिए इम्फेटिक प्रोनाउन के फॉर्म में यूज कर दिए. सो यू योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉब्लम, मतलब तुम खुद अपनी प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार हो. तो यहां पे जो योर सेल्फ है वो क्या है, इम्फेटिक प्रोनाउन की तरह में यूज हो रहा है, जब हम किसी बात को जोर देने के लिए करते हैं. तुम खुद अपने जो भी काम किए उस के लिए क्या हो, जिम्मेदार हो, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार हो. पॉइंट टू बी रिमेंबर में देख लेते हैं क्या है. एन इम्फेटिक प्रोनाउन कैन बी रिमूव फ्रॉम द सेंटेंस विदाउट अफेक्टिंग इट्स कोर मीनिंग. इम्फेटिक प्रोनाउन रिमूव किया जा सकता है किसी भी सेंटेंस से बिना इसके कोर मीनिंग को अफेक्ट किए हुए, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आ जाएगा. और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑन द अदर हैंड इज वाइटल. देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, इंपॉर्टेंट है. आप यहाँ पे आई एम सूरज कुमार सिंह बोल सकते हैं, लेकिन आई हैट माई सेल्फ तो आपको बोलना ही पड़ेगा, ठीक है. द टीचर absented फ्रॉम द क्लास yesterday नहीं होगा, द टीचर absented himself फ्रॉम द क्लास yesterday होगा. टीचर खुद ही कल क्लास में absent थे, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि खुद ही कल क्लास में, तो ये खुद ही कल क्लास में absent को ही हम बोलते हैं himself. I hope आपको चीजें समझ में आई होंगी. और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑन द अदर एंड वाइटल, वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट. द सेंटेंस वुड नॉट मेक कंप्लीट सेंस ऑर रिमूविंग द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हटा देने पर सेंटेंस अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं बता पाता है. आई होप कुछ समझ में आई होंगी.
अगर आपको वीडियो यहाँ तक समझ में आया है और आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो आप चैनल, आप इस वीडियो को लाइक करके आगे बढ़िए, क्योंकि बिना गुरुदक्षिणा विद्या सफल नहीं होती। तो आप गुरुदक्षिणा के तौर पे, क्योंकि क्लासेस यूट्यूब पे हैं और ये फ्री हैं, तो लाइक करके आप इसको आगे बढ़िए। एंड अगर आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हुए हैं तो इस सारी चीज़ों को नोट करते चलिएगा, या एटलीस्ट स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, इसका एक नोट्स बना लीजिएगा। एंड नोट्स बनाने के बाद एडो फिटर चैनल को लाइक करना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि हम क्यों ही शेयर करें, दूसरा टॉप कर जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, विद्या बांटने से बढ़ जाती है, तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिए और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करते रहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट मतलब जब हमें नहीं पता होता कि इस काम को किसने किया है, तो हम इनडेफिनिट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे कि मेरा पर्स चोरी हो गया, तो किसी ने तो किया होगा ना, तो समवन स्टोल माय पर्स, तो इस तरह से करेंगे। जैसे हम सब यहाँ हैं, हम सब मतलब कौन, तो ऑल आर हेयर, तो हम सब लोग क्या हैं, यहाँ हैं। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको, इनडेफिनिट प्रोनाउन को। पहले आप इसको एक नोट्स में बना लीजिएगा, एवरीबॉडी, नोबडी, लिटिल, नो वन, एवरीथिंग, नथिंग, ये सारे एक नोट्स बना लीजिएगा। देखिए, मैनी आर कॉल्ड, बहुत लोगों को बुलाया गया, बट फ्यू आर चूजन, लेकिन कुछ ही लोगों को चुना गया। अब यहाँ पे किसको चुना गया, किसको बुलाया गया, एकदम क्लियर नहीं है। समबडी एट माई सैंडविच, कुछ किसी ने मेरा सैंडविच खा लिया। अब किसने खाया, ये बातें उसको पता चल जाती तो उसको कूट देता, लेकिन पता ही नहीं है। एवरी वन सेज शी इज ब्यूटीफुल इनसाइड एंड आउट, और सब लोग ये कहते हैं कि वो क्या है, सुंदर है। यहाँ पे हम हर एक पर्सन की बात कर रहे हैं, किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं। आई होप आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम थोड़े से और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, एक आपने देखा होगा वन, ठीक है, वन, तो वन क्या होता है, ये किसी भी एक पर्सन के इंडिविजुअल, मतलब एक सभी पर्सन को जनरेट करता है, दुनिया जितने लोग हैं, कि वन मस्ट ओबे वन्स पेरेंट्स, मतलब हर एक को अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। ठीक है, अगर माने एक होता है नन, अगर हम नन की बात करें तो हम लिखेंगे नन ऑफ देम, मतलब उनमें से किसी के भी पास, हम एक एक की बात करें, नन ऑफ देम हैज पेन, उनमें से किसी के पास भी क्या है, पेन नहीं है। ये बातें आई होप आपको क्लियर हुई होंगी। एनीबडी, एवरीबडी, इस तरह, मतलब एनीबडी, कोई भी इंसान, हम देखते हैं एनीबडी कैन डू दिस वर्क, मतलब कोई भी इंसान इस काम को, कोई भी एक सिंगल इंसान इस काम को कर सकता है। बहुत सारे लोगों की बात करते हैं और उसके साथ हम क्या करते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि हम किसकी बात कर रहे होते हैं। ठीक है, एनीबडी जगह एवरीबडी ले सकते हैं, एवरीबडी कैन डू दिस वर्क, हर कोई इस काम को कर सकता है। ओके, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, अगर हम ये लिखते हैं आई हैव, देखिए इसमें आप बताइएगा, आई हैव नॉट एनी रिंग, तो ये सही है, आई हैव नॉट एनी रिंग, क्या ये सही है, या फिर एनी के जगह पे यहाँ पे सम होगा, आई हैव नॉट सम रिंग, बताइए। तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, सम नहीं होगा, ये सेंटेंस एकदम क्या है, सही है। आई होप आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की ओर। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जैसे कि मेरे बगल में एक लड़का बैठा है जो मेरा दोस्त है, तो ये जो हम वर्ड जो का यूज़ किए हैं ना, इसी को इंग्लिश में हम रिलेटिव प्रोनाउन, जो हो गया, जिसका हो गया, जिसे हो गया, ये सारे जो हिंदी में आप वर्ड्स लिखे हुए देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे, ये सारे क्या हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं इंग्लिश में, हु, विच, डैट, होम, हु, ये सारे। तो वी यूज डैट फॉर पीपल और थिंग्स, हम लोग उस चीज़ को लोगों या वस्तुओं के लिए यूज़ करते हैं। हैव यू सीन दोज पीपल, क्या तुमने उन लोगों को देखा है जो, या जिनसे वी मेट ऑन हॉलीडे, जिनसे हम हॉलीडे पे मिले थे। इजंट डैट द वुमन हु लिव्स अक्रॉस द रोड फ्रॉम यू, इजंट डैट, क्या ये वही औरत नहीं, हु मतलब जो, ये इसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पे जो हु है किसको डिनोट कर रहा है, पीपल को, हु लिव्स अक्रॉस द रोड फ्रॉम यू, जो रोड के उस पार रहती है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी।
नेक्स्ट देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? हु, विच, हूज, होम, जिसमें ये सारी चीजें होती है. हु, विच, हूज, होम, मतलब प्रश्न पूछने का काम करता है. नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, इसको समझते हैं क्या है ये. समझिए, जैसे व्हाट डू यू वांट फॉर डिनर, तो मैं डिनर में क्या चाहिए, तो यहाँ पे व्हाट क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है. व्हाट इज योर फ्रेंड्स नेम, तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है, यहाँ पे व्हाट क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है. व्हाट टाइम आर वी सपोज टू बी देयर, कितने समय में हम लोग को वहाँ पहुंचना चाहिए, तो कितना, व्हाट टाइम, यहाँ पे व्हाट टाइम क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है. आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी और आप एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे. ओके, कभी कभी क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का एक्सक्लेमेशन के फॉर्म में यूज हो जाता है. जैसे व्हाट, ऐसे बोलते हैं व्हाट, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन देंगे. हैव यू फिनिश्ड रीडिंग, हैव यू फिनिश्ड ईटिंग, क्या तुमने खाना खा लिया, ऐसे करके हम बोलते हैं ना, क्या तुमने खाना खा लिया, तो यहाँ पे हम इसको एज ए एक्सक्लेमेटरी फॉर्म में भी यूज कर देते हैं. क्लियर है? कभी कभी हम इसको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के फॉर्म में भी यूज करते हैं. कैसे, जैसे विच कलर डू यू लाइक मोस्ट, डू लाइक मोस्ट. तो आप देख रहे हैं अभी तक आपको यह पता होगा कि इंट्रोगेटिव फॉर्म का कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं, नहीं, उसका हम एक्सक्लेमेशन के फॉर्म में भी यूज करते हैं और एडजेक्टिव के फॉर्म में भी यूज कर देते हैं. क्लियर है? विच का यूज केवल विच का यूज व्यक्ति और वस्तुओं के लिए, दोनों के लिए होता है, लेकिन व्हाट केवल वस्तुओं के लिए होता है. केवल अगर थिंग्स की बात करेंगे तभी हम व्हाट का यूज करेंगे. प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लीजिए. हिज स्पीच वॉज वेरी टफ, सॉरी वेरी थॉट प्रोवोकिंग, थॉट प्रोवोकिंग मतलब भड़काने वाला. वेल अप्रिशिएटेड बाई देम हु अटेंडेड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हेल्ड इन द कैपिटल ऑफ जापान. लिखा है इन द गिवन डेक्वेशन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एरर्स. एरर्स आपको फाइंड करना है. फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन. इफ अ सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर सेलेक्ट नो एरर. देखिए समझिए, ऐसे इसमें देखना है कि हिज स्पीच, उसका जो स्पीच था वो बहुत ज्यादा थॉट प्रोवोकिंग था. एंड वेल अप्रिशिएट बाई देम हु अटेंडेड, मतलब हु अटेंडेड द वर्ल्ड इकोनॉमिक. अब यहाँ पे देम क्या है, अब बताइए, क्या यहाँ पे दे लिखा है, नहीं लिखा है दे. तो यहां पे जो एरर है ना वो आपके इस बी पार्ट में होगा. क्लियर है? कैसे, समझिए, हमें देम को दोज से रिप्लेस करना होगा. वी नीड टू रिप्लेस देम विद दोज फॉर मेकिंग इट समथिंग ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्स्टुअली करेक्ट. लाइक अगर हम यहां लिखेंगे वेल अप्रिशिएट बाय दोज, मतलब उन लोगों ने, ठीक है, उन लोगों ने बोलेंगे हम ऐसे करके. क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं द प्लूरा दैट कवर द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द लंग्स and the inner walls of the chest cavity is a thin elastic membrane made of phospholipids and proteins. अब यहाँ बताइए फ्रेंड्स, ये प्लूरा है, द प्लूरा सिंगुलर है या प्लूरल है? तो आप कहेंगे सर सिंगुलर है, तो डैट के बाद क्या कवर आएगा या कवर्स आएगा? डेफिनेटली अगर सिंगुलर है तो वहां पे क्या आ जाएगा बेटा, कवर्स आएगा. तो यहाँ पे कवर नहीं है कवर्स, इसलिए हमारे ए पार्ट में क्या है, एरर है. क्लियर है आपको ये बात? उसके आगे देखते हैं, समझिए, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. देखिए एज दैट यूज इन पार्ट ए ऑफ द सेंटेंस विच इज यूज फॉर द प्लूरा एंड इट इज सिंगुलर. तो ये सिंगुलर है प्लूरा. दैट इज ऑल्सो सिंगुलर, सो वर्ब यूज फॉर दैट शुड बी सिंगुलर. वी नीड टू चेंज कवर इन टू कवर्स टू मेक द सेंटेंस करेक्ट एज कवर इज अ वर्ब यूज फॉर द प्लूरा. सी डज नॉट अंडरस्टैंड दैट हाउ वन कैन बी एम्प्लॉयड एज अ स्टेनोग्राफर इन सच अ ह्यूज कंपनी विदाउट द नेसेसरी क्वालिफिकेशन. शी डज नॉट अंडरस्टैंड दैट हाउ वन कैन बी एम्प्लॉयड, मतलब वो ये नहीं समझ पाई, वो ये नहीं समझ सकती है कि कोई भी कैसे स्टेनोग्राफर की जॉब पा सकता है इतनी बड़ी कंपनी में बिना नेसेसरी क्वालिफिकेशन के. मतलब उसको अभी काम करने आ ही नहीं रहा है लेकिन उसको क्या मिल गया है, जॉब मिल गई है. अब समझिए इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो ए होगा. कैसे होगा ये समझते हैं. वी नीड टू रिमूव डैट, हमको क्या करना है, डैट को पार्ट ए से रिमूव करना है ताकि वो क्या हो सके, एक कॉन्टेक्चुअली करेक्ट ग्रामेटिकल पोर्शन में आ सके. बिकॉज डैट डजंट कम बिफोर डब्ल्यू एच वर्ड, डैट कभी भी डब्ल्यू एच वर्ड के पहले नहीं आता. इस ये एक रूल है, इसको याद करिएगा. एज इट वर्क्स एज बोथ प्रोनाउन एंड कंजक्शन, क्योंकि प्रोनाउन और कंजक्शन दोनों का यूज कर लेता है. द करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, सी डज नॉट अंडरस्टैंड हाउ वन कैन बी एम्प्लॉयड एज अ स्टेनोग्राफर इन सच अ ह्यूज कंपनी विदाउट अ नेसेसरी क्वालिफिकेशन. तो अंडरस्टैंड वो ये नहीं समझती कैसे,
हाउ हो या डेट हाउ नहीं होगा। ये जो क्वेश्चन फोर है ना वो आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका एयर कौन पार्ट में है, सॉरी किस पार्ट में है और क्यों है। और जाने से पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और एडुकेटेड चैनल को आप शेयर भी कर दीजिए अपने चाहने वाले दोस्तों के साथ। ठीक है यार मित्र, जो भी चाहने वाले हैं आपके, जिनको लगता है कि इसका भविष्य बना देना चाहिए, अंधेरे में चल रहा है वो बच्चा, तो उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे कई उसकी मतलब ऐसा होगा ना कि आपके शेयर करने से जिसके पास ये वीडियो नहीं है, जिसके पास इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो इस इन्फॉर्मेशन को अभी होल्ड नहीं कर सकता है, उसके पास उतने पैसे नहीं है कि वो ऑफलाइन कोचिंग में जाके स्टार्ट कर सके पढ़ाई, तो उसके लिए यूट्यूब क्या है, यूट्यूब एक वरदान की तरह है। तो आप उसको ये वीडियो शेयर करेंगे तो इससे आपको पुण्य मिलेगा और उसको नॉलेज मिल जाएगी और हो सकता है आप दोनों लोग का जॉब हो जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसका अगला पोर्शन स्टार्ट करेंगे, दैट इज एडजेक्टिव। और मुझे इन सारे जो आपको मैंने होमवर्क दिया है इसका आंसर मुझे आपसे कमेंट बॉक्स में चाहिए। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी एंड कीप लाइकिंग दिस चैनल, कीप सब्सक्राइब दिस चैनल। मतलब एक ही बार सब्सक्राइब कीजिएगा, दो बार कर देंगे, मतलब ऑड नंबर में कीजिएगा ना, एक बार मन कर दिया सर नहीं नहीं हम दो चार बार मार देंगे सब्सक्राइब, तो दो चार नहीं मारिएगा, तीन पाँच मार दीजिएगा, है ना। ऑड नंबर में करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से सब्सक्राइब हो जाएगा, और लाइक भी ऑड नंबर में ही कीजिएगा, मतलब या तो एक बार कीजिएगा या तो तीन बार कीजिएगा या तो पांच बार कीजिएगा, है ना। दो बार करने पर लाइक हट जाएगा और इस चैनल को जितना हो सके शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, गुड बाय।